नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चिन्मय गौर और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं वायलिन के इस नए लेसन में। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए सीख लेते हैं कुछ नए अलंकार। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए, लाल बटन दबाइए और सब्सक्राइब करिए। साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे वीडियो आप तक सही समय पर सबसे पहले पहुंच जाए। खुश रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। तो दोस्तों, लेसन शुरू करने से पहले मैंने अलंकार के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं मैं, जिसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है अलंकार क्या होता है, कैसे बनते हैं, कैसे आप बना सकते हैं, और उसमें मैंने कुछ बेसिक अलंकार सिखाए भी हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन खोलिए, लिंक पे क्लिक कीजिए तो वो वीडियो आ जाएगा, फिर आप देख के उसको सीख सकते हो और फिर वापस इस वीडियो पे आ सकते हो। जिनको पता है अलंकार क्या होता है वो भी एक बार देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो कि आपके काम की हो और आप उसको रिवाइज भी कर लो। नहीं तो अगर आपको कुछ और लगता है कि मुझे उस वीडियो में और कुछ ऐड करना चाहिए था तो मैं नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, ठीक है, ताकि सब लोग सीख पाए। तो आइए अभी हम अलंकार सीखते हैं। एक अलंकार क्या है, सार, देखना ध्यान से, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। सा ग रे ग सा रे ग म रे म ग म रे ग म प ग प म प ग म प ध म ध प ध म प ध नि प नि ध नि प ध नि सा। फिर इसका अवरोह करना है, सा ध नि ध सा नि ध प नि प ध प नि ध प म ध म प म ध प म ग प ग म ग प म ग रे म रे ग रे म ग रे सा। समझ में आया? अब मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूं। ठीक है, अब ये मैंने जो है कट बो में प्ले किया, यानी कि मैंने बो के ऊपर वाले हिस्से से हर नोट को सिंगल सिंगल लिया। सा ग रे ग सा रे ग म। समझ में आया? एक तो आपको ये प्रैक्टिस करना है और आपको एक प्रैक्टिस ये करना है कि फुल बो में ये अलंकार हो। कैसे? यानी कि हमने पूरा एक फ्रेज जो है फुल बो में लिया। फिर और इसका ऐसे ही उल्टा करना है, अवरोह करना है। समझ में आया ना आपको? हो सकता है कि आप ये अलंकार देखते ही कैच कर लो और प्ले कर लो और कहोगे हमको तो आ गया। ऐसा नहीं होता, किसी भी चीज को साधने के लिए बार बार रिपीट करना पड़ता है, और अगर हम परफेक्शन के साथ पूरे ध्यान के साथ बार बार रिपीट करते हैं तो हम उस चीज़ को साध लेते हैं और फिर उसी से कुछ नई चीज़ निकलती है। तो मैं भी ये उम्मीद रखता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स भी साधेंगे पेशेंस के साथ, विवेक के साथ, धैर्य के साथ और मुस्कुराहट के साथ। ठीक है, तो ये अलंकार समझ में आ गया ना? एक तो आपको कट में प्रैक्टिस करना है, ठीक है, हर सुर को एक इंडिविजुअल बो के साथ, और एक आपको पूरी बो और एक पूरा फ्रेज। अब हम चलते हैं सेकंड अलंकार पे। सेकंड अलंकार क्या है? सा रे ग ग रे सा रे ग म म ग रे ग म प प म ग म प ध ध प म प ध नि नि ध प ध नि सा सा नि ध नि सा रे रे सा नि सा रे ग ग रे सा।
समझ में आया? और इसका अवरोह करना है फिर गरे सा सारे गरे सा नी नी सा रे सा सा नी ध ध नी सा नी ध प प ध नी ध प म म प ध प म ग ग म प म ग रे रे ग म ग रे सा सा रे ग रे सा नी नी सा रे सा नी ध ध नी सा। अगर आपको फास्ट लग रहा है तो आप वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं इसको प्ले करके दिखाता हूं एक बार, पहले कट बो के साथ, फिर हम इसको लॉन्ग बो के साथ प्ले करेंगे। समझ में आया? और फिर इसी चीज को लॉन्ग बो के साथ क्लिक करना है, पूरा एक फ्रेज एक बो में। कोशिश ये करना कि एक फ्रेज जो है एक बो में हो क्लियर। समझ में आया ना कैसे होगा? सा रे ग ग रे सा। अब जब ग दो बार करेंगे हम प्ले तो उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, हर बिगनर को आती है। लेकिन करना क्या है हमको, सा रे ग ग इसको दो बार उठा के रख देना आप, ऐसे ही म को दो बार उठा देना आप, रे ग म म ग रे, और ऐसे ही प को ग म प प। अब प ओपन है तो हम या तो ऐसे ऐसे कर सकते हैं इस फिंगर से प पे, या फिर प प, तो हल्का सा हम ध को टच कर सकते हैं, पूरा नहीं करना, ध को हल्का सा टच करना है। तो ग म प प म ग, समझ में आया? ग म प प म ग, हल्का सा टच किया हमने ध को। अभी बहुत बारीकी वाली चीज है, कोई ऐसे समझाएगा नहीं आपको, ध्यान से देख लो, सिखा रहा हूं मैं। ग म प प, हल्का सा टच किया उसको, फिर म प ध ध प म, तो ध दो को भी हम उठा के रख सकते हैं दो बार। फिर प ध नी नी ध प, तो नी नी को भी हम उठा के रख सकते हैं दो बार। ऐसे ही आपको ये अलंकार प्ले करना है। तो दोनों अलंकार आपको कट बो के अंदर भी करना है प्ले, और लॉन्ग बो में भी करना है प्ले, यानी कि एक पूरा फ्रेज एक बो में। समझ में आया ना? नहीं आया तो वापस वीडियो को रिपीट करना, इसकी स्पीड स्लो करना और फिर देखना, और नहीं तो भी समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। और कुछ भी आपको शेयर करना हो दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी कि भाई ये अलंकार भी काम का है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इन दो अलंकारों की बढ़िया प्रैक्टिस करो, टारगेट लो कि हमको 4-5 दिन में बढ़िया कंप्लीट करना है, 1 वीक में बढ़िया कंप्लीट करना है। कंप्लीट करते ही मैं अगला वीडियो अपलोड कर दूंगा अगले अलंकार, ठीक है? तो बात समझ में आई ना मेरी? 2 अलंकार दिए हैं, इनको बढ़िया प्रैक्टिस कर लो और फिर हम मिलते हैं नए लेसन में नए 2 अलंकार के साथ। और जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मेरा नया गाना आ रहा है, बहुत ही एक्सपेरिमेंटल क्रिएटिव गाना है। 2 दोस्त जिस भाषा में बात करते हैं उस महान भाषा का मैंने इस गाने में प्रयोग किया है। हो सकता है कुछ लोग कहेंगे सर आप ये क्या कंपोज कर रहे हो, आजकल क्या हो गया आपको, आप बिगाड़ रहे हो सबको, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, बड़ा मजा आ जाएगा, एंटरटेनमेंट के पर्पज से है वो सॉन्ग, तो इंतजार रहेगा ना आपको सॉन्ग का। और मुझे आपका साथ चाहिए, आपका आशीर्वाद बनाए रखना, प्रेम बनाए रखना, मोहब्बत करते रहना, करवाते रहना, बांटते रहना, और मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भारत, जय हिंद।